हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नर्सर क्लासेस फॉर बायोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजी क्लास 9। इट इज लेक्चर 3 इन विच आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ differences in their structures. And after this we also discuss about what are the structural organization of a cell, means what are the components of cells. Now let's start the chapter. In the last lecture we have discussed the different organelles or parts of cell, different shape and sizes of cells, etc. Now let's start the chapter. तो हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़े थे और सेल थ्योरी पढ़े थे। सेल थ्योरी किसने दिया था, किसने प्रपोज्ड किया था, उसको एक्सपैंड कौन किया था, ये सारी चीजें। आज हम टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर के आधार पर, और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रो मींस क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मींस प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड जो बना वो कैरियन से बना हुआ है। कैरियन मींस न्यूक्लियस, मींस जिनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था, मींस नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो उसी टाइप ऑफ सेल क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो ये सबसे पहले आए थे। तो ये डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आप देख सकते हैं ये सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और उनका जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेलम और ये पीली। तो ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इनके जो साइज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, साइज में ये 1 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, मींस 1 to 10 माइक्रोमीटर के साइज के रेंज में होते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड या कवर्ड नहीं होता। और उस एरिया को हम सिंपली क्या बोलते हैं, केवल रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड्स। तो वो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसलिए उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्रोमोसोम इनमें सिंगल होता है, तो उसी में डीएनए कॉम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
गॉल्गी बॉडीज हो गया, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते इसमें, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है इसमें। और इसका एग्जांपल में क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट वन इज है यूकैरियोटिक सेल, ये नहीं, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये क्या है यूकैरियोटिक, तो जो प्रोकैरियोटिक थे वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो इसमें सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो जैसा कि इसमें देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्गी एपरेटस हो गया, तो ये क्या है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है। और इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, तो काफी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो यू मींस क्या होता है, ट्रू, और कैरियन मींस न्यूक्लियर, तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, यू कैरियोटिक सेल। तो इनके जो साइजेस होते हैं वो 5 to 500 माइक्रोमीटर तक होते हैं। देखिए न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, तो इनमें न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, और इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम, मींस 2 हो सकता है, 4, 6 एसेट्रा। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ टाइप मींस दैट इज 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। 70S जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनल से अटैच होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनसे जो अटैच होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, और जो एसिड प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में वो 80S। तो एस जो है वो स्वेदबर्ग यूनिट माना जाता है, और स्वेदबर्ग ने राइबोसोम्स को खोजा था। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल जैसे फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, मींस कि जो सेल है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के जो कि सेल को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। तो सेल जो है वो बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था उसके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कवरिंग होता है सेल का, जो कि सेपरेट करता है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को सेपरेट करता है, तो एक तरह से बाउंड्री है जो कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। और ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है, मतलब सेलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करता है अपने अंदर क्रॉस करने को या फिर उससे बाहर निकलने को, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर बोला जाता है। और द स्ट्रक्चरल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है वो सबसे बेहतर कौन डिस्क्राइब किया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये साइंटिस्ट ने दिया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, कैसे उसमें प्रोटीन्स वगैरह अरेंज है।
तो एज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सेलेक्टेड चीजों को अलाउ कर रहा है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये सेलेक्टेड चीजों को अपने अंदर अलाउ करता है या फिर अपने अंदर से बाहर जाने को अलाउ करता है बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये दो प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसी के जरिए चीजों का या सब्सटेंसेस का इन और आउट होता है। तो हम समझ लेते हैं क्या है ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, इसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसके हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन बीच में क्या आएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रहा है। ये जैसे ही दो डिफरेंट वाटर कंसंट्रेशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाएगा, वाटर अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो हाई कंसंट्रेशन किसका, वाटर का, तो वाटर का जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उधर से मूव करना स्टार्ट करेगा, किस तरफ, जिधर वाटर का लो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन ये क्रॉस करके किसको जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ऑस्मोसिस होता है। तो इसके तीन केसेस होते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है प्लांट सेल में, जो ऑस्मोसिस होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कैसे होता है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे कि हाइपरटोनिक केस में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन केस में क्या होता है। तो सबसे पहला जो है ऑस्मोसिस इन ए प्लांट सेल ड्यूरिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, तो सेल के चारों तरफ जो मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, देन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की अपेक्षा सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, तो सेल में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसके बाहर जो है कंसंट्रेशन वो कम है। तो अब बाय फॉलोइंग ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए वाटर क्या होगा, सेल के अंदर से लूज होगा और बाहर आएगा, सेल विल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के जरिए सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ जो प्लांट सेल को जिस मीडियम में रखा गया है उस सॉल्यूशन में वाटर क्या है, कम है, किसके अपेक्षा, सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है उसके अपेक्षा। तो सेल के अंदर वाटर ज्यादा हुआ कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और दोनों के बीच क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेपरेशन है। तो वाटर क्या होगा, लूज होगा बाय ऑस्मोसिस। तो ये जो सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट, चाहे वो सुगर हो चाहे सॉल्ट हो, तो इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर का कम हो, तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। याद रखिएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन्स कि वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और उसमें घुला हुआ जो सॉल्यूट है चाहे सुगर हो चाहे सॉल्ट हो, वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इस तरह के सोल्यूशन में जब हम सेल को डिप करेंगे उसको, तो सेल क्या करेगा, ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए वाटर लूज करेगा, और इस तरह का ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस, मींस निकल रहा है वाटर, ये लूज कर रहा है बाय फॉलोइंग ऑस्मोसिस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस। जब वाटर लूज करेगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा और उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो ये देखिए, तो ये वाटर जो है जब उसको मीडियम में रखा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो देखिए ये लूज हुआ, तो ये साइज क्या हो गया, देखिए श्रिंक कर गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाय फॉलोइंग ऑस्मोसिस
सेल विल लूज वाटर, सेल वाटर लूज करेगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि सेल वॉल उसमें होता है तो सेल वॉल तो डेड होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, डेड होता है वो अपनी जगह फिक्स होगा, लेकिन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल जो है उसी के अंदर पूरा कंटेंट है, और उससे वाटर क्या होगा लूज कर जाएगा, जिसके कारण क्या हुआ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल वॉल से दूर हो जाएगा, सेल वॉल से ये दूर हो गया, ये श्रिंक कर गया, जब सेल वॉल से दूर हो जाएगा और श्रिंक कर जाएगा, इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, एंड द सेल इज बीइंग कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड, और सेल को हम क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इन अ प्लांट सेल ड्यूरिंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, मींस हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था वाटर का कम था, तो हाइपोटोनिक में क्या होगा वाटर का ज्यादा होगा और सॉल्यूट का कम होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि जो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इन सेल, तो सेल की अपेक्षा मीडियम में ज्यादा वाटर होगा और सेल के अंदर कम होगा, तो सेल के अंदर वाटर कम है और बाहर सेल वाटर क्या है ज्यादा है, तो जिसके वजह से क्या होगा ऑस्मोसिस होगा और वाटर क्या होगा सेल गेन करेगा, दोनों चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वाटर का अपने आप मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, तो सेल क्या होगा वाटर गेन किया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं जिसमें कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम और वाटर का ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ साइड बट मोर वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल, तो भाई वाटर तो दोनों तरफ मूव करेगा लेकिन नेट जो होगा वो वाटर मूव करेगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस ऑस्मोसिस में बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, क्योंकि अंदर जा रहा है बाय फॉलोइंग ऑस्मोसिस वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है, जब वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा सेल स्वेल करेगा, क्योंकि अंदर वाटर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा इंक्रीज होगा वॉल्यूम, तो जिसके कारण सेल क्या होगा स्वेल कर जाएगा फूल जाएगा, तो याद रखिए हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है हाइपोटोनिक में, और वहां पे क्या होता है हाइपरटोनिक में क्या होता है श्रिंक सिकुड़ रहा था। तो देखेंगे जैसे ये वाटर देखिए बाहर से गेन किया और ये पूरा श्रिंक कर गया अंदर आ गया वाटर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे टर्जिड, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे टर्जिड, जब वाटर उसमें आ जा रहा है। अब क्या कंडीशन है इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होना सेम होना वाटर का, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है दोनों तरफ वाटर कंसंट्रेशन क्या होना इक्वल होना, तो मूवमेंट तो दोनों तरफ होगा, मूवमेंट जो है वाटर का दोनों तरफ होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और नेट चेंज इसीलिए क्या होगा जीरो, तो मीडियम सराउंडिंग द सेल इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, तो एग्जैक्टली सेम जितना कंसंट्रेशन वाटर का सेल के अंदर है उतना ही बाहर, तो क्या होगा देन देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो कोई नेट मूवमेंट क्या होगा जीरो, रिजल्टिंग इन नो चेंज इन साइज ऑफ सेल, तो सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दोनों तरफ सेम हो, देखिए दोनों तरफ सेम है तो जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, ठीक है, और इस कंडीशन क्या बोलते हैं ऐसे फ्लैसिड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इसमें वाटर का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इसमें क्या है सिर्फ सब्सटेंस का मूवमेंट लेकिन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट और वेस्ट प्रोडक्ट CO2 रिलीज करता है एंड एक्युमुलेट्स इन हायर कंसेंट्रेशन एट द सेल कंपेयर टू आउटसाइड, तो बाहर की अपेक्षा सेल के अंदर ज्यादा कंसेंट्रेशन है CO2 का, जिसकी वजह से क्या होता है इस डिफरेंस की वजह से, इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से CO2 क्या होता है सेल के बाहर आना शुरू कर देता है थ्रू डिफ्यूजन। ये देखिए
डिफ्यूजन हो रहा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रहा है. तो डिफ्यूजन हो गया. अब अगला जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेल वॉल. तो सेल वॉल क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, थिक और फ्रीली परमिएबल होता है. भाई परमिट कर रहा है वो, तो परमिएबल कवरिंग होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल. तो फंजाई में क्या होता है, कैटिन का बना होता है और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन का होता है. लेकिन प्लांट के केस में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. तो सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, मतलब डेड होता है, थिक होता है और फ्रीली परमिएबल कवरिंग होता है जो कि प्लांट सेल के केस में सेलुलोज का बना होता है. लेकिन फंजाई में भी सेल वॉल होता है तो उसमें काइटिन का बना होता है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है. तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट सेल को ये देता है ताकि वो मजबूती से अपनी जगह फिक्स रहे. तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को. देखिए ये है प्लाज्मोलाइसिस. व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. तो सेल वॉल से दूर जाता है पूरा कंटेंट और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. जैसा कि अभी हमने ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था, एक्स ऑस्मोसिस में द सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स फंजाई बैक्टीरिया टू विदस्टैंड. तो ये प्लांट का सेल वॉल फंजाई का और बैक्टीरिया का ताकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी वो बिना बर्स्ट किए पड़ा रहे. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें वाटर गेन कर रहा है, तो वाटर जब गेन करेगा तो अंदर क्या होगा, स्वेल कर रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, लेकिन सेल वॉल क्या करेगा, उसके बराबर का ही उस पर फोर्स लगा के उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से वो रप्चर सेल ना हो. जैसे किसी टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, जब हम टायर के अंदर ट्यूब रखते हैं उसमें हवा फिल करते हैं तो उतना जल्दी बर्स्ट नहीं करता है, लेकिन जितना हवा हम टायर के अंदर रखने पर फिल करते हैं उतना हवा हम सिर्फ ट्यूब में बाहर निकाल कर फिल करेंगे तो वो बर्स्ट कर जाएगा. क्यों, क्योंकि उसको जो अंदर से फोर्स लग रहा है एयर का उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से फोर्स नहीं हो रहा है. तो उसी तरह ये सेल वॉल जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को बचाता है, मजबूत रखता है ताकि वो बर्स्ट ना करे. तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में, और ये सेल के शेप को भी डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, उसके शेप को भी फिक्स करता है. अब नेक्स्ट वन क्या है, प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग फ्लूइड होता है, जेली लाइक विस्कस होता है, गाढ़ा काफी होता है, कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है. तो वायरस सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मौजूद होते हैं उसी में इन कोलाइडल फॉर्म. तो कोलाइडल फॉर्म में ये होता है प्रोटोप्लाज्म और ये लिविंग फ्लूइड है. और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दो पार्ट से बना होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, इज दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड्स द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो हिस्सा प्रोटोप्लाज्म का क्या कहलाता है, साइटो प्लाज. और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, वो हिस्सा प्रोटोप्लाज्म का जो कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. और उसके बाहर जो है चारों तरफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देगा, अदरवाइज आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो. इसका फंक्शन क्या है, acts as a store of vital chemicals like amino acids, proteins, sugar, etc. और इसी में क्या होता है, metabolic reaction. तो cell के अंदर जितने भी metabolic reactions होते हैं वो protoplasm में ही होते हैं, चाहे वो cytoplasm हो चाहे nucleoplasm. तो ये site provide करता है, site जहां पे metabolic reactions होते हैं. Next organelle क्या है, Golgi apparatus. तो जो गोल्गी अपरेटस है, ये नाम पड़ा जो गोल्गी क्यों, क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किए थे वो कौन थे, कैमिलो गोल्गी. और ये कैसा सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स का सिस्टम है.
सिस्टम है जो कि एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होते हैं, और उस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। ठीक है, सिस्टर्न्स बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप डायग्राम, इसको सिस्टर्न्स बोलते हैं। देखिए ये प्लूरल, देखिए सिस्टर्निंग, और उसके अंदर खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो ये देखिए न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, ये सब इसी को क्या बोलते हैं, गॉल्गी एपरेटस। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो गॉल्गी बॉडीज जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन्स को, सुगर्स को, और सब्सटेंस को फिर डिस्पैच भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स बनाने में ये हेल्प करते हैं, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स, अभी मैंने आपको बताया ये सबसे स्मॉल होते हैं, डेंस होते हैं, राउंड बॉडीज होते हैं, और साइटोप्लाज्म में इंटरस्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं। तो ये देखिए दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम, और 70S भी फर्दर दो पार्ट में टूटा हुआ, सब यूनिट में 50S एंड 30S सब यूनिट में, और 80S जो है वो 60S और 40S में टूटा हुआ, ब्रेक हुआ है। तो ये यूनिट है, ये नहीं कि इनका मैथमेटिकल सम 60-40-100 हुआ, लेकिन 80 क्यों आ रहा है, अगर 50-30-80 है तो 70 क्यों आ रहा है, तो ये अलग अलग यूनिट है। तो उनके यूनिट की वजह से उनका ऐसा ये नंबर रखा गया, अलॉट किया गया 60S और 40S। तो राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, 70S टाइप्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं 80S, क्योंकि 70S जो होता है वो किसी ऑर्गन के साथ अटैच होता है। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एक्चुअली ये साइट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहां पे क्या बनता है, प्रोटीन, तो ये इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये जगह देते हैं जहां के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्मॉल रॉड शेप का ऑर्गेनेल्स होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन, देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस, इसको क्या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन है देखिए वो इनर फोल्डिंग्स बनाए हुआ है, ऐसे फोल्डिंग्स बनाए हुआ है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर सके, उसी को क्या बोलते हैं क्रिस्टी, और उसी के अंदर जो एरिया उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन एरिया कवर कर रहा है ये ब्लू वाला आप देख सकते हैं ये, और येलो जो लाइनिंग है ये क्या इनर मेम्ब्रेन है, तो ये जो एरिया अंदर कवर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टी। और वहीं पे क्या है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं जो कि एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। देखिए इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन का प्रोजेक्टेड इनटू न्यूरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ये जिसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी, याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बना उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देखिए मैंने अभी बताया कि राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसमें जो राइबोसोम है वो 70S पाए जाते हैं, और इनका अपना डीएनए होता है, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं, क्योंकि ये आधा जो काम होते हैं आधा प्रोटीन होते हैं वो अपने से बना लेते हैं और आधा सेल पे डिपेंड होते हैं। तो दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए इस ऑर्गन को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं रिएक्शंस के दौरान एटीपी के फॉर्म में, तो इसलिए एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं वाइटल एक्टिविटीज के लिए। तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और फिर ल्यूकोप्लास्ट के थ्री टाइप्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं, बेसिकली ये थ्री टाइप्स के प्लास्टिड्स हैं और ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। और ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देखिए इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, और ये देखिए ग्रैनम है ये इस ग्रुप को, जो कि थैलापॉड्स से मिलकर बना हुआ है। थैलापॉड्स हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज है, ये थैलापॉड्स हैं और ये ग्रुप के क्या बना है ग्रैनम, और एक से अधिक होता है ग्रैना। ग्रैनम सिंगुलर वर्ड है, ग्रैना प्लूरल है। और ये जो पार्ट है इसका जो फील्ड, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो इसका शेप होता है जनरली वो स्फेरिकल या डिस्क्वाडल होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, मैंने भी बताया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है ये। और इनके पास भी अपना खुद का डीएनए, और ये राइबोसोम्स लिखा हुआ है, ये डायग्राम से छिप गया है लेकिन ये राइबोसोम्स है। तो इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो ये भी सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस, ये भी सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। और इस चूंकि यहां पे क्या होता है फूड बनता है, फूड स्टोर भी होता है। वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या करता है फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ये फूड बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, यहां मिस हो गया, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्यों? क्योंकि यहां पे फूड मैन्युफैक्चर होता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। और ये सबसे ज्यादा होता है लीफ में, इसलिए लीफ क्या होते हैं ग्रीन कलर होते हैं। नेक्स्ट टाइप प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं जैसे ऑरेंज, येलो, रेड। और इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूको मीन्स व्हाइट, तो हेल्प इन स्टोरेज, ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, ये प्लास्टिड्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में अब तक जितना पढ़ाया गया है फर्स्ट लेक्चर से लेकर लेक्चर थ्री तक, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज आप लोग मेंशन करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।